डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 का सप्लीमेंट्री का लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सर, डू वी नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट विक्रमादित्य? क्या विक्रमादित्य के बारे में तुम निश्चित पूर्वक कुछ जानते हो? आंसर है वी डू नॉट नो एनीथिंग। हम लोग निश्चित पूर्वक डेफिनेट अबाउट विक्रमादित्य, हम लोग निश्चित पूर्वक विक्रमादित्य के बारे में कुछ नहीं जानते हैं एक्सेप्ट सिवाय इसके हिज लर्निंग एंड जस्टिस की, वह एक उनके विद्वता और उनके न्यायप्रियता के बारे में। ही वॉज ए जस्ट किंग, वह एक न्यायप्रिय राजा थे एंड गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल, और अपने जनता को एक उचित न्याय करते थे देते थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल्ड? द गिल्टी, अपराधी क्यों ट्रेम्बल मीन्स कांपने लगते थे, अपराधी क्यों कांपने लगते थे? वेन दे केम बिफोर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सामने अपराधी पहुंचते ही कांपने क्यों लगते थे? आंसर द गिल्टी ट्रेम्बल, अपराधी उसके सामने कांपने लगते थे बिफोर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सामने पहुंचकर कांपने लगते थे बिकॉज, क्योंकि दे न्यू दैट, वे जानते थे कि हिज आई वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, उनका जो आँख है वो सीधे उनके अपराध को उनकी देख लेगा एंड पनिश देम, और उन्हें सजा दे देगा। ही वॉज नेवर डिसीव्ड, वह कभी धोखा नहीं खाए, मतलब कभी भी कोई अपराधी उनको धोखा नहीं दे पाया, उनसे बच नहीं पाया, अपराधी को देखते ही जान लेते थे क्या अपराध किया गया है, इतना अच्छा वो न्याय करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड टू द प्लेस, पैलेस है, पैलेस मीन्स होता है राजमहल। What happened to the palace? उनके राजमहल का क्या हुआ? And the fortress, उनके किला का क्या हुआ? Of विक्रमादित्य after his death, विक्रमादित्य के राज मृत्यु के बाद उनके पैलेस, उसके राजमहल और उनके किला का क्या हुआ? Answer है after the death of विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद his palace and fortress, उनके जो राजमहल थे और उनके जो किले थे वह रुइंड, बर्बाद हो गए। द रुन्स, उनके जो खंडहर थे वर कवर्ड विथ ग्रास डस्ट एंड ट्रीज, उनके जो खंडहर थे उस पे धूल मिट्टी और पेड़ जम गए थे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और समय बीतने के साथ साथ पीपल ऑफ उज्जैन फॉरगेट हिम एंड हिज पैलेस, उज्जैन के लोग, विक्रमादित्य कहाँ के थे राजा? उज्जैन के, उज्जैन के लोग फॉरगेट हिम, उसे भूल गए, विक्रमादित्य को भूल गए और उसके राजमहल को भूल गए, उनके किले को भूल गए। क्वेश्चन नंबर 4, Why did the village boy find in the pasture? Pasture means होता है चारागाह। जो village boy थे, जो चरवाहा लड़के थे, उन्होंने घास के मैदान में क्या पाया था? The village boy found a green mud। जो गांव के लड़के थे उन्होंने पाया एक green, हरा टीला पाया अंडर द ट्री इन द पास्चर, उस घास के मैदान में एक पेड़ के नीचे ए ग्रीन मर्ड, एक टीला पाया। इट लुक्स वेरी मच लाइक ए जजमेंट सीट, वह बिल्कुल एक जजमेंट सीट की तरह दिख रहा था। कैसा टीला था वह? बिल्कुल जजमेंट सीट की तरह, एक कुर्सी नुमा सिंहासन की तरह दिख रहा था। द विलेज बॉय प्लेड देयर, और वे लड़के वहाँ खेला करते थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन, व्हाट चेंज डिड द विलेज बॉय फाइंड इन द बॉय?
हु सेट ऑन द ग्रीन मर्ड। क्या अंतर पाया लड़कों ने उस लड़के में जो ग्रीन मर्ड, जो लाल उस हरे टीले पे कुर्सी नुमा जो टीला था, सिंहासन नुमा जो टीला था उस पे बैठा। तो द विलेज बॉय नोटिस दैट, लड़कों ने नोटिस किया, ध्यान दिया कि द बॉय हु सेट ऑन द ग्रीन मर्ड, वह लड़का जो उस ग्रीन मर्ड पे टीले पे बैठा था, हैड बिकम वेरी सीरियस, वह बहुत ही गंभीर हो गया, ग्रेव गंभीर हो गया, लाइक द जज, एक न्यायकर्ता की तरह, एक जज की तरह, या यूं कहें एक राजा की तरह, वह सीरियस और गंभीर हो गया। हिज टोन एंड मैनर, उसकी जो बोलने की भाषा थी, उसकी जो टोन थी, उसकी आवाज़ है, जो उसकी उतार चढ़ाव, जो उसकी लहजा थी बोलने का, वर चेंज, बिल्कुल बदल गया। मतलब वो लड़का जब उसमें बैठा तो उसकी आवाज़ ही बिल्कुल बदल गई थी और सीरियस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द किंग ऑफ उज्जैन डिसाइड टू डू। उज्जैन का जो वर्तमान राजा था उसने क्या निर्णय लिया, क्या डिसीजन लिया, वहाँ के पास का जो राजा, वर्तमान राजा था, वह क्या करने का निर्णय लिया। द किंग ऑफ उज्जैन डिसाइडेड टू द डिग डीप, उज्जैन का राजा, वर्तमान जो राजा था, वह डिसाइड, वो निश्चय किया कि डिग डीप, डिग मतलब खुदाई करना, गहराई तक खुदाई किया जाए, एंड फाइंड आउट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का जजमेंट सीट, उसके जो राज सिंहासन की कुर्सी है, उसे ढूंढ निकाला जाए, खुदाई करके उसे निकाला जाए। ही वांटेड टू सीट ऑन इट, वह चाहता था, वह राजा भी अभी वर्तमान में जो राजा था, वह चाहता था उस पर बैठना, एंड हियर ऑल द केसेस, सारे मुकदमे की सुनवाई करना चाहता था, वह भी चाहता था विक्रमादित्य की तरह हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द फर्स्ट एंजल आस्क द किंग व्हेन He was about to sit on the judgment seat. Judgment seat पर बैठने वाला था जब वह राजा, तो पहला एंजल ने क्या प्रश्न पूछे। आंसर है, When the king was about to sit on the throne, जब वह राज सिंहासन पर बैठने वाला था राजा, the first angel asked, पहला जो देवदूत था उसने पूछा, स्टॉप, रुक जाओ, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, डू यू थिंक, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि दैट यू आर वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के राज सिंहासन पर बैठने के लिए तुम योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम, क्या तुम्हारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया, ऐसा इच्छा जागृत नहीं हुई कि तुम शासन करो। That were not your own, जो तुम्हारा नहीं हो, उस राज पे भी तुम शासन करो, ऐसा विचार तुम्हारे मन में कभी नहीं आया। इस तरह से ये 7 प्रश्न का क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में बताया गया है, इनको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिए और याद कीजिए।